हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं वो लास्ट हमने छोड़ा था, वो था कम्बाइंड रोलिंग स्लाइडिंग एयर जॉइंट। ठीक है, अब हमारे पास वही जैसे रूल अप्लाई हो रहा था रोलिंग और स्लाइडिंग का, लाइक जिस तरह की सरफेस है उसके अकॉर्डिंगली किस तरफ रोल हो रहा है, किस तरफ स्लाइड हो रहा है, इसके कम्बाइंड इफेक्ट्स उन्होंने कहा है। ठीक है, तो हमारे पास जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इस डायग्राम से भी देखा था कि लाइक हमारे पास रोलिंग जो है, अगर कन्वेक्स सरफेस है तो हमारे पास रोलिंग के ऑपोजिट साइड पे स्लाइडिंग होगी। ठीक है, और हमारे पास अगर कनकेव सरफेस है तो रोलिंग और स्लाइडिंग सेम साइड पे होगी। ठीक है, तो उन्होंने ये बात की भी कि द मोर कॉन्ग्रुएंट द जॉइंट सरफेसेस आर द मोर स्लाइडिंग देयर इज ऑफ वन बोन इंपॉर्टेंट टू द अदर विद द मोमेंट। ठीक है, लाइक अगर कॉन्ग्रुएंट सरफेस है, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन उन्होंने यही बात की हुई है कि अगर कॉन्ग्रुएंट सरफेस है ज़्यादा, ठीक है, तो स्लाइडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, एक एक बोन की दूसरे बोन पे, और अगर ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंट सरफेस है तो रोलिंग ज़्यादा होगी एक बोन की दूसरी बोन पे। ठीक है, तो व्हेन मसल्स एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट टू मूव अ बोन, सम ऑफ द मसल्स मे कॉज द स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ द जॉइंट फ्रेंड। ठीक है, उन्होंने ये बात की हुई है कि हमारे पास जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जिस तरह से स्लाइडिंग मूवमेंट होनी है वो उस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ने कहा कॉर्डल स्लाइडिंग जैसे मोशन होता है हमारे पास ह्यूमरस कैट पे, जब ह्यूमरस के शोल्डर के एब्डक्शन करते हैं ना तो हमारे पास कॉर्डल स्लाइडिंग होती है, लेकिन कॉर्डल स्लाइडिंग जो कॉज कर रहे होते हैं ना, हमारे पास रोटेटर का मसल्स होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कॉज तो हमारे पास रोटेटर का फर है ना, उन्होंने ये बात की हुई है, लेकिन कुछ ऐसे मसल्स भी होते हैं जो हमारे पास लाइक आपको प्रिवेंट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुछ जो मसल्स होते हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन में काम करते हैं, कुछ मसल्स हमारे पास स्लाइडिंग में काम कर रहे हैं, यही बात उन्होंने की हुई है। अब उन्होंने कहा है जब शोल्डर पे एबडक्शन करेंगे तो हमारे पास कॉर्डल स्लाइड आती। ठीक है, स्लाइडिंग सिंपल सी हमारी बात है कि हमारे पास जब हमने यही बात की थी कि दो सर्फेसिस के दरमियान मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ना अब जब स्लाइडिंग की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो उन्होंने बात की कि अगर एबडक्शन में हो रही है तो कॉर्डल स्लाइडिंग आ रही है हमारे पास, कॉर्डल मतलब इन्फीरियर स्लाइडिंग। ठीक है, नीचे की तरफ जब स्लाइड आएगा, ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने कहा है पोस्टीरियर स्लाइडिंग आती है जब हमारे पास नी की फ्रैक्चर होती है, और ये उन्होंने कहा है टिबिया की आ रही होती है। ठीक है, पोस्टीरियर स्लाइडिंग टिबिया की आ रही होती है हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। और यहाँ पे जो मसल उसको कॉज कर रहे हैं वो हैमस्ट्रिंग है। ठीक है, वो जो ये सारे मसल हमारे पास कॉज कर रहे हैं वो हैमस्ट्रिंग है। ठीक है, अगर वो कहते हैं ये मसल लॉस हो जाता है, हमारे पास बायोमैकेनिक्स होती है वो अल्टर हो जाती है, माइक्रोट्रॉमा आने लग जाता है, जॉइंट के डिसफंक्शन होने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह जॉइंट की जो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स है ना, वो सारी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही होती है कि हम हाइपरमोबिलिटी को रिवर्स कर सकते हैं और दूसरे जॉइंट प्ले को रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये रोलिंग वगैरह मोस्ट कॉमनली हम ग्लाइडिंग कर रहे होते हैं, जो स्लाइडिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है स्पिनिंग। स्पिनिंग बेसिकली स्पिनिंग का जो करेक्टरिस्टिक है वो यही है कि एक बोन दूसरे पे स्पिन कर रही है। अब स्पिन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ही पॉइंट है, ठीक है, और मूविंग सरफेस उसी के अकॉर्डिंगली पूरी एक आर्क कंप्लीट करती है 360 डिग्री की। ठीक है, या हर बोन तो 360 डिग्री मूव नहीं करती, लेकिन उन्होंने एक आर्क कंप्लीट करने के लिए कहा है, लाइक एक ही पॉइंट है और उसी पे बोन मूव करती है। ठीक है, और बोन एक स्पिन मूवमेंट देती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में भी अब नजर आ रहे हैं, एरोज शो कर रहे हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जाके एंड हो रही है, तो पूरी एक स्पिन मूवमेंट हमारे पास एक बोन की आ रही है लेकिन दूसरी बोन स्टेल है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है देर इज अ रोटेशन ऑफ अ सेगमेंट अबाउट अ स्टेशनरी मैकेनिकल एक्सिस। ठीक है, वही उन्होंने बात की हुई है कि रोटेशन हो रही है सेगमेंट की लेकिन स्टेशनरी मैकेनिकल एक्सिस के ऊपर। फिर हमारे पास उन्होंने बात की हुई है स्पिनिंग जो होती है ना वो अकेली नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई मूवमेंट साथ हो रही है, और उन्होंने वो मूवमेंट हमें कहा है रोलिंग और स्लाइडिंग, मतलब स्पिनिंग हमेशा अकेली नहीं हो सकती, इसके साथ कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है। ठीक है, तीन एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है स्पिनिंग की जो बोन्स पर हो सकती है या जिस बोन पर हो सकती है। ठीक है, शोल्डर में उन्होंने दी हुई है हमारे पास ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट के ऊपर। ठीक है, और ग्लीनो ह्यूमरल पे भी बेसिकली मेन जो उन्होंने बताया हुआ है ह्यूमरस के ऊपर होंगे। ठीक है, जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं। ठीक है, हिप पे उन्होंने फ्यूमर के ऊपर दी हुई है और ये भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने हमारे पास रेडियस के हेड की दी हुई है और रेडियो ह्यूमरल जॉइंट पे दी हुई है, प्रोनेशन सुपिनेशन की दी हुई है। ठीक है, लाइक जब प्रोनेशन सुपिनेशन करते हैं तब भी हमारे पास रोटेशन आ रही है, जब हमारे पास फ्यूमर को हम मूव करा रहे थे फ्लेक्शन एक्सटेंशन में तब भी हमारे पास रोटेशन आ रही है, इस तरह ह्यूमरस को मूव करा रहे तब भी हमारे पास रोटेशन हमें मिल रही थी, और ये रोटेशन जो होती है ये स्पिनिंग कॉज कर रही होती है हमारे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हुआ है जो हमारे पास बताया हुआ है, क्यों हम पैसिव एंगुलर स्ट्रेचिंग की बजाय जॉइंट ग्लाइडिंग स्ट्रेचिंग को प्रेफर करते हैं
जब हमारे पास जॉइंट कैप्सूल टाइट हो जाता है, ठीक है। इसकी एक वजह ये भी है कि मतलब डैमेजिंग ये कॉज नहीं करता, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छी जो जॉइंट ग्लाइडिंग की टेक्निक्स है ना, ठीक है, वो ये करी होती है काम के, एक तो ये डैमेज नहीं कॉज कर रहा होता, ठीक है, किसी भी चीज़ का, ठीक है, कोई भी ट्रॉमा हमारे पास नहीं आ रहा होता, पेन को इंक्रीज नहीं कर रहा था, बहुत सेफ होता है पेशेंट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बात की हुई कि अगर जब पैसिव एंगुलर अगर हम कराते हैं स्ट्रेचिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यूज़ कराते हैं, तो क्या होगा, पेशेंट की पेन इंक्रीज भी हो सकती है, जो क्योंकि जॉइंट पे ट्रॉमा हो सकता है, क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास जॉइंट के कैप्सूल ऑलरेडी टाइट है। तो हम अगर स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना, तो ये जो हमारे पास आता है ये क्या कर कॉज करता है कि डैमेज कॉज करता है, ठीक है। अब ये इन्होंने एंगुलर और ट्रांसलेटरी है, जो जॉइंट क्लाइडिंग है ना वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ठीक है, लेकिन जो एंगुलर है वो उन्होंने यही कहा है कि हम स्ट्रेचिंग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उन्होंने ये बात की कि अगर हम लीवर को यूज़ करते हैं ना, तो ये एक तो हमारे पास फोर्स बहुत ज़्यादा लग रही होती है, ठीक है, एक्सेसिव फोर्स की वजह से कंप्रेशन आ रहा होता है, ठीक है, और जो हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है। दूसरा, रोल विदाउट अ स्लाइड डज नॉट रेप्लिकेट नॉर्मल जॉइंट मैकेनिक्स, ठीक है। अगर रोलिंग सिर्फ हम रोलिंग पे काम करेंगे और स्लाइडिंग नहीं दे रहे, तो हमारे पास ये नॉर्मल जॉइंट के मैकेनिक्स को रेप्लिकेट नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम जो यूज़ करते हैं वो जॉइंट ग्लाइडिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम जॉइंट ग्लाइडिंग स्ट्रेचिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे जो प्रोसीजर होता है ना, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, एक तो ये सेफ़ है, ठीक है, ये सेफ होते हैं, दूसरा हम ये सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है, ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, जिस जॉइंट पे हम काम करें उस जॉइंट पे काम करते हैं, जिस मूवमेंट पे हम काम करें उस मूवमेंट पे काम करेंगे, जिस साइड पे हम साइड ग्लाइड देना चाह रहे हैं, हम जिस साइड पे हम देना चाह रहे हैं वहाँ पे ही जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शोल्डर पे अगर मैं इन्फीरियर ग्लाइड को इंक्रीज कराना चाह रही हूँ फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में, तो वो मेरे पास यही देगा, हमें इन्फीरियर ग्लाइड में ही हेल्प करेगी अगर हम ग्लाइडिंग देते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से हमारे पास काम कर रहा होता है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक और सेलेक्टिव काम कर रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अगर हम फोर्स अप्लाई भी करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और ये इतनी होती है कि पैथोलॉजी के कंपेटेबल होती है, ठीक है, मतलब हम आराम से उसको कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है, वो उन्होंने बात की है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यही बात है कि जिस तरह मैंने बताया कि हम जिस साइड पे देना चाह रहे हैं हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। इन्फीरियर ग्लाइड को इम्प्रूव कराना है तो इन्फीरियरली हम काम करेंगे, सुपीरियर को सॉरी इंटीरियर को कराना है तो इंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर को कराना है पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। जिस मूवमेंट के साथ जिस स्लाइडिंग को इम्प्रूव कराना है या जो मूवमेंट हमारे पास काम करना बंद कर दिया उसी के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की साइज बात है स्मॉल होता है और बहुत स्पेसिफिक होता है, इसीलिए हम जिस कैप्सूल या लिगामेंट को टारगेट कर रहे होते हैं एग्जैक्टली उसी के ऊपर जाके जो दिया हमारे पास काम हमें मिल रहा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं अदर एक्सेसरी मोशंस, ठीक है, जिनमें कंप्रेशन डिस्ट्रैक्शन ट्रैक्शन वगैरह आ जाती है, ठीक है। कंप्रेशन बेसिकली हमें पता है कि एक ऐसा मोशन होता है जो हमारे पास दो बोनी पार्टनर्स के जॉइंट स्पेस को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो जब कंप्रेशन की बात आती है ना, तो हमारे पास बेसिकली ये एक्सट्रीमिटीज़ और स्पाइनल जॉइंट पे बहुत ज़्यादा होती है, लाइक हम जब खड़े होते हैं या जब हमारा वेट पड़ रहा होता है ना इन जॉइंट्स पे, ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज़ भी मोस्ट कॉमनली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे ही ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा मिल रही होती है हमें, ठीक है। फिर दूसरा कंप्रेशन जो होती है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी मिल रही होती है, जब हमारे पास जॉइंट को स्टेबिलिटी मिल रही होती है, ठीक है, जिसको हम डायनामिक स्टेबिलिटी कहते हैं ना, वो जब हमें चाहिए होती है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारे पास कंप्रेशन आ रहा होता है, ठीक है। फिर वन बोन रोल टू द ऑन द अदर, ठीक है, जैसे एक बोन दूसरे पे रोल कर रही है, इसी तरह उन्होंने कहा है कुछ कंप्रेशन जो होती है वो हमारे पास ऑन द साइड टू विच द बोन इज एंगुलेटिंग उस साइड पे भी हमारे पास मिल रही होती है, ठीक है। फिर उन्होंने कंप्रेसिव लोड्स कहा है कि ठीक है, जैसे मूव करते साइनोवियल जॉइंट को, ताकि हमारे पास कार्टिलेज की हेल्थ के लिए हम मेंटेनेंस कर सके, लाइक हमारे पास हेल्पफुल हो या न्यूट्रिएंट्स हमारे पास अच्छे मिल सके, ठीक है। अब नॉर्मली हाई कंप्रेशन लोड्स में लीड टू द आर्टिकुलर पार्टली चेंजेस डिटोरिएशन, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के डैमेज होना शुरू हो जाएगा, इंजरीज कॉज होंगी, ठीक है, डिफरेंट इंजरीज कॉज होंगी, डिटोरिएशन वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। तो कंप्रेशन भी लाइक हमारे पास नॉर्मली भी हो सकती है और हम अब नॉर्मल भी डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास ट्रैक्शन का और डिस्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि एक तो ये वर्ड्स ना दोनों को सिनोनिम्स हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एंड बहुत सी जगह पे लोग कहते हैं कि ये सिनोनिम यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये सिनोनिम्स नहीं होते, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। ट्रैक्शन जो होती है वो एक लॉन्गिट्यूडनल पुल है, और डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो एक सेपरेशन को कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को पुल अपार्ट कर दोगे ना, तो वो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कॉज होती है, क्रॉस करती है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ द जॉइंट सरफेसेस, लाइक उन्होंने कहा डिस्ट्रैक्शन हमेशा नहीं होती जब हम ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस में। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैक्शन अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे, तो मेरे पास वो जो ट्रैक्शन हम कॉज करें वो इंफीरियर ग्लाइड कॉज करेगी, ठीक है, ना कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन। दो सरफेसेस पे
हमारे पास स्पेस को इंक्रीज नहीं किया उसने, बल्कि उसने ग्लाइड कॉज किया या स्लाइड कॉज किया, ठीक है। तो इसको हम नहीं कह सकते कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है अट्रैक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन तब हो सकती है ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट पे जब मैं उस दोनों को बोन्स को, चाहे जब जैसे आप होल्ड करते हो ना स्कैपुला को, और फिर आप ह्यूमरस के हेड को दोनों को होल्ड कर लो, ठीक है। और फिर आप ह्यूमरस के हेड को स्लाइटली अपार्ट करो एक दूसरे से, तो ये जो मूवमेंट है ये एंगुलर, ठीक है। लाइक आप इन दोनों बोन्स को ना पुल अपार्ट किया एक दूसरे से 90 के एंगल पे, राइट एंगल्स पे आप इनको पुल अपार्ट कर रहे हो, ठीक है। फॉर क्लैरिटी इसलिए कहा है कि जो पुलिंग होती है लॉन्ग एक्सिस की, उसको लॉन्ग एक्सिस ट्रैक्शन कहते हैं, और फिर जो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है या पुल अपार्ट का कॉन्सेप्ट है, उसको जॉइंट ट्रैक्शन, जॉइंट सेपरेशन और डिस्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास आगे दो दो कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें नीचे ना डायग्राम में बताया हुआ है कि जो ए डायग्राम है ना हमारे पास, ये हमारे पास कॉज कर रही है, हमारे पास है ट्रैक्शन, ठीक है। जो हमारे पास ह्यूमरस की शाफ्ट पे हो रही है, ये हमारे पास कॉडल ग्लाइडिंग दे रही है या इन्फीरियर ग्लाइड दे रहा है, ठीक है। और जो बी है ना हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास कॉज कर रही होती है ट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन, अपार्ट मूव पर आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन का, ठीक है। फिर हम जो लास्ट चीज़ है ना वो हम डिस्कस कर रहे थे, इफेक्ट्स ऑफ जॉइंट मोशन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ जॉइंट मोशन जो है ना वो ये बता रहे हैं हमारे पास, ठीक है, कि एक कॉन्सेप्ट उन्होंने ये सारा बेस कर लिया कि हमारे पास जॉइंट का मोशन करना और ना करने का क्या नुकसान है, ठीक है। मतलब अगर करोगे तो क्या फ़ायदा है और क्या नहीं करोगे तो क्या नुकसान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है जॉइंट मोशन स्टिमुलेट करता है हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, जो हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड में होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है हमने ये बहुत पहले से पढ़ा हुआ कि जब साइनोवियल फ्लूइड की मूवमेंट होगी ना, तो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। हमारे पास हमें अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि दूसरी न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलने के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वजह से वैस्कुलर आर्टिकुलर कार्टिलेजेस जो होती हैं या इंटर आर्टिकुलर फाइब्रो कार्टिलेज जो मैंने स्काए हैं हमारे पास, ठीक है, इन सब में क्या हो रहा था कि हमें हेल्पफुल एक न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं जो हमारे पास उनको हेल्दी एक हेल्दी कार्टिलेज बनाने में काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है कि अगर हमें वो एट्रोफी हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं एट्रोफी की आर्टिकुलर कार्टिलेज की, वो तभी स्टार्ट होती है जब हमारे पास बहुत टाइम के लिए इमोबिलाइज कर देते हैं हम जॉइंट को, ठीक है। जब हम कहते हैं कि एक बंदा ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहता है ना, ठीक है, और वो अपने आप को इतना मूव नहीं करा, तो वो जो कॉज होती है ना वो हमारे पास बेसिकली इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे पास जॉइंट्स पे, और जॉइंट क्या करते हैं डैमेज करते हैं, एट्रोफी होना शुरू होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो इस वजह से होते हैं कि डिटोरिएशन होना शुरू हो जाती है, डिजनरेशन होना शुरू हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की, ठीक है। फिर उन्होंने बात की एक्सटेंसिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिकुलर एंड पेरी आर्टिकुलर टिश्यूज आर मेंटेन विद जॉइंट मोशन, ठीक है। वो इन्होंने बात की एक्सटेंसिबिलिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें जो होती है ना हम मेंटेन कर सकते हैं, कब तक, तब तक जब तक जॉइंट का मोशन है। जैसे एक बंदा इमोबिलाइज होना शुरू हो जाएगा ना, फाइब्रोफैटी प्रोलिफरेशन हो जाएगी, इंटर आर्टिकुलर एडिशंस बनना शुरू हो जाएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेंडर लिगामेंट्स में बायो केमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाएंगे। कॉन्ट्रैक्चर्स सिंपली हमने पहले भी बहुत डिस्कस की हुई है इस चीज़ को, कि हमारे पास शॉर्टनिंग हो जाती है। जब शॉर्टनिंग आ रही है ना हमारे पास किसी भी सॉफ्ट टिश्यूज़ की, ठीक है, या मस्कुलर टेंडन यूनिट्स की, ठीक, तो हमारे पास तब क्या होता है डैमेज आ जाता है। और ये जो डैमेज कॉज करते हैं ना, ये हमारे पास लाइक एक कॉन्ट्रैक्चर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली बहुत प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन के बाद बनना शुरू होते हैं, ठीक है। तो लाइक आप इतने ज़्यादा इमोबिलाइज करो ही ना कि कॉन्ट्रैक्चर्स तक आपकी बात जाए, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा लिगामेंट्स भी वीक होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर मतलब लिगामेंट्स वीक होंगे तो क्या होगा, हाइपरमोबिलिटी आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद जो है उन्होंने बात की है कि एफरेंट नर्व इम्पल्सिस जो होती है ना, वो हमारे पास जॉइंट के रिसेप्टर्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और इसके बाद अवेयरनेस आती है पोजीशन और मोशन की, ठीक है। अब एफरेंट इम्पल्सिस जाएंगी हमारे पास, तभी हमारे पास पोजीशनिंग वगैरह हमें पता चलती है, ठीक है। तो हम उन्होंने कहा कि अगर इंजरी हो जाती है, जॉइंट की डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाती है या डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे पास एक पोटेंशियल डिक्रीज आ जाता है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स प्रोप्रियोसेप्शन के फीडबैक का, जो हमारे पास इफेक्ट कर देता है बैलेंस रिस्पॉन्स पे, एक इंडिविजुअल के बैलेंस के रिस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो डैमेज कर देता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रोप्रियोसेप्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। जॉइंट मोशन प्रोवाइड सेंसरी इनपुट रिलेटिव टू, अभी इन्होंने कुछ हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है, हम इनको नीचे डिस्कस करते हैं कि लाइक हमारे पास क्या है, ठीक है। उन्होंने ये काम है कि एक तो उन्होंने ये बात की हुई है कि हमारे पास स्टैटिक पोजीशन एंड सेंस ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। अगर स्टैटिक पोजीशनिंग है और सेंस ऑफ स्पीड ऑफ मोशन मूवमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास सेंसरी इनपुट कौन दे रहा है, टाइप 1 रिसेप्टर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ स्पीड ऑफ मूवमेंट टाइप 2 रिसेप्टर्स दे रहे हैं,
सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टाइप वन और टाइप थ्री रिसेप्टर्स देने हैं। जैसे बात ये रिसेप्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसकी इतनी डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम डिटेल लेक्चर डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर रेगुलेशन आ जाती है मसल टोन की, ये 1, 2, 3 रिसेप्टर्स करते हैं ठीक है, और नोसीसेप्टर के जो स्टिमुलाई है टाइप 4 रिसेप्टर्स करते हैं, जो हमारे पास कहाँ कहाँ फाउंड हो रहे हैं। जैसे टाइप 1 फाउंड हो रहे थे सुपरफिशियल ज्वाइंट कैप्सूल पे, टाइप 2 जो फाउंड हो रहे थे हमारे पास डीप लेयर्स होती है ज्वाइंट कैप्सूल और आर्टिकुलर फैट पैड्स पे, टाइप 3 जो होते हैं वो ज्वाइंट के लिगामेंट्स में होते हैं, टाइप 4 जो होते हैं हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल लिगामेंट्स आर्टिकुलर फैट पैड्स पेरियोस्टियम और वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स में होते हैं ठीक है। और जब आप इनको डिटेल में लेक्चर को डिस्कस करेंगे तो तब हम ये डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट इंडिकेशंस और प्रिकॉशंस और टू कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं।